भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन के खास एडिशन में हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर ये वो इलाका है जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत उठा पटक नजर आती है और साथ ही साथ यहां का जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर भी रहता है। लेकिन जब क्या हो, जब इसी मुजफ्फरनगर में लोगों को बीमार और बहुत बीमार कराया जा रहा हो, वो भी महज एक फैक्ट्री की वजह से। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित न्यू बिंदल फैक्ट्री के बाहर 64 दिनों से, एक बार फिर से सुनिएगा, ये दिन एक दो नहीं पूरे 64 दिन है, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष अतुल अहलावत के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान और स्थानीय लोगों ने प्रदूषण अवैध अतिक्रमण को लेकर धरना जारी किया हुआ है। लेकिन 64 दिन बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं किसान नेता अतुल अहलावत ने बड़ी बात कह दी और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 2 अगस्त के बाद शासन से लेकर स्थानीय जिला प्रशासन से लड़ेंगे आप पार्क की लड़ाई। स्थानीय लोगों की माने तो इस प्रदूषण की वजह से गांव में हर तीसरा आदमी कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, जिसको लेकर कोई भी शासकीय प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। स्थानीय किसानों ने समस्या पर बोलते हुए कहा कि जब भी जनता प्रदूषण और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाती है तो भेजी गई शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है, मगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो फैक्ट्री जहरीला धुआं उगलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपने देखी जहां पर किसान सड़क पर बैठे थे स्थानीय नागरिकों के साथ, और ये तस्वीर जिलाधिकारी, ये तस्वीर उप जिलाधिकारी, अधिकारी सारे हैं। अब अपने वो ऑफिस में कार्यालयों में मौजूद रहते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जगह जगह गंदगी का अंबार, जहरीला पानी निकल रहा है, जहरीला धुआं है, तो इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। इतना ही नहीं, पूरे मामले में यहाँ के MP MLA भी अनजान नहीं है, यानी कि विधायकों को, सांसदों को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक यहाँ पर मंत्री, विधायक, सांसद मुजफ्फरनगर को पॉल्यूशन मुक्त नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी की निकासी क्षेत्र के पानी को प्रदूषित कर रही है और वही पानी लोग पी रहे हैं। बरसात के मौसम में पानी ऊपर आ जाता है और अगर यही दूषित पानी उसमें मिलेगा तो वो पानी लोग पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, संक्रमण को बढ़ावा कहीं ना कहीं पानी दे रहा है। मगर प्रदूषण विभाग भी अपनी आंखें मूंद कर मूक दर्शक बना हुआ है, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री वालों के द्वारा फैक्ट्री की दीवार को नाले की कच्ची पटरी पर बना दिया है और नाले की एक साइड की पटरी को अवरुद्ध कर दिया है। आप सोचिए ये किस तरह की दबंगई है, क्यों, क्या कसूर है इन लोगों का जो इस तरह की गंभीर बीमारियों में उन्हें झोंका जा रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे संजय कटारिया, किस तरह के हालात थे वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जब वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने जमीनी हकीकत क्या है वो हम सबके सामने लाकर रख दी है। आइए आपको सुनवाते हैं जब वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे किस तरह से उन्होंने लोगों से बात की और जो 64 दिन से धरना चल रहा है किसानों का, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसे जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक राहगीर है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना सच है प्रदूषण को लेकर। जी, आपका नाम और कहाँ से आप रहने वाले हैं? मैं योगेश कुमार जी, गांव मकियाली, जिला मुजफ्फरनगर निवासी हूँ और मैं यहाँ का एक किसान हूँ। किसान हूँ, तो एक आपको पता होगा अगर आप किसान हैं तो भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा लगभग 2 महीने हो गए धरना दिया हुआ है और किन किन मुद्दों को लेकर दिया है ये भी आपको मैं बता दूं, प्रदूषण, पन्नी झोंकना, ट्रैफिक आदि। बिल्कुल, तो ये कितना सच है प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण में यहाँ हालात बहुत खराब है, यहाँ पर नगर पालिकाओं द्वारा जो है कचरा, प्लास्टिक, कूड़ा, उसमें जो है हो सकता है जो कुत्ते मरे हुए हैं वो भी, उनके अवशेष भी, हॉस्पिटल का अवशेष, इस तरह उसमें ज्यादातर जो है प्लास्टिक का कचरा बहुत मात्रा में है और वो उसका जो है यहाँ पर बॉयलर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया जा रहा है। और पहले ये चोरी छिपे प्रदूषण विभाग की जानकारी में रात में होता था, लेकिन अब
पिछले एक साल से खुलेआम ये जलाया जा रहा है, दिन में भी और रात में। कह रहे हैं कि इसमें जो है कोई फैक्ट्री से पानी नहीं निकलता, लेकिन रात में इतना प्रदूषित पानी बराबर के नाले से जाता है और सब कुछ प्रशासन प्रदूषण विभाग की देखरेख में हो रहा है, रुकावट नहीं है, उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के ग्रामीण जो यहाँ से गुजर रहे थे। इनका आरोप है कि रात में पानी भी निकलता है, शिकायत करने पर निस्तारण किया जाता है, लेकिन समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 2 महीने से यहां पर धरना दिया हुआ है। उनकी जो समस्या है प्रदूषण, अवैध कब्जा, अवैध पार्किंग आदि को लेकर ये धरना दे रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अतुल जी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये कब से बैठे हैं। जी अतुल जी, आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपका धरना कब से चल रहा है सर? ये धरना तो हमारा 64 दिन हो चुका है, उसके लिए चल रहा है, प्रदूषण के खिलाफ धरना चल रहा है। आपने किन किन मुद्दों को लेकर ये मांग की है, क्या पूरा मांग? मांग तो ये हमने प्रदूषण के खिलाफ ही था, अतिक्रमण, जैसे रोड वाहन खड़े रहते हैं, जैसे एक न्यू बिंदल प्लांट है इसमें नाले की पट्टी कब्जा रखी है, और ये जैसे बाहर से कचरा आ रहा है, RDF वगैरह जो उसका नाम RDF रखा हुआ है इन्होंने, ये फूंका जा रहा है दिन रात, ये कच्चा पच्चा माल निकाल के बाहर रोडों फेंक रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे यहाँ धरना था। अच्छा, जनपद मुजफ्फरनगर में जो प्रदूषण अधिकारी है अंजू जी, वो तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से मुजफ्फरनगर पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी तरह से कचरा नहीं जलाया जा रहा है, पन्नी भारत सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। मैं इस चीज के भी एविडेंस दे दूंगा आप लोगों को, हमारे पास सारी वीडियो है। खैर, अब तो रोड बंद हो गई है, अब कभी भी रोड खुलने के बाद आके देखना, कम से कम 40-50 बड़े वाले ट्रक यहाँ डेली आते, और हमारे पास एविडेंस भी है, कचरा भी है, उसका पन्नी भी है, कपड़ा भी है, मेडिकल की जो वेस्ट सामग्री है वो भी है, जो मेडिकल से कचरा निकलता वो भी यहाँ जुड़ता है, इतना बुरा यहाँ हाल है। और अंकित, जो प्रदूषण की आपने बात करी अधिकारी की, वो 1 घंटा या 1 रात या 2 घंटे जो भी इसका समय लगता हो यहाँ बैठ के मुझे दिखा दे, मैं मान लूंगा यहाँ कचरा निकलता, वो यहाँ बैठ के देखो, यहाँ के जनता से पूछ के देखो, जब यहाँ को लोग बाग निकलते हैं, आप किसी को देख लो, एक ना एक की तो आंख में रखी गिरनी है, कई लोगों की आंख भी खराब हो चुकी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग जब से मैंने यहाँ धरना दिया है, मेरे सामने 25+ मौतें हो चुकी है, जो 24 साल से कम की एज के लड़के थे। प्रदूषण विभाग ने कोई ट्रैक्टर पकड़े थे, वो ट्रैक्टर बंद करके चले गए, हमारे फोन आया था प्रदूषण विभाग का कि हमें हाइड्रा ला दो, अगर हम यहाँ जाएंगे ट्रैक्टर लेके भाग गए। हमने रात को हाइड्रा उपलब्ध करवाया, वहां पे मेरे पास मारपीट भी हुई थी, जानलेवा मामला भी हुआ था, उसके बाद प्रदूषण वाले पैसे लेके अपने घर बैठे। अंकित, प्रदूषण विभाग, सिकेड़ा थाना, दोनों की मिली भगत थी। पहले मेरा मुकदमा दर्ज कर दिया हल्की धाराओं में, फिर मेरे खिलाफ भी मुकदमा 20,000 की रंगदारी का दर्ज कर दिया। तो क्या आपने वहाँ पे बिना अधिकारी के आप गए थे, क्या था, क्या हो रहा था वहाँ? जब मेरे फोन की लोकेशन निकल सकती है, पहले वहाँ पे प्रदूषण विभाग गया था तो उनके फोन की लोकेशन क्यों नहीं निकली कि वहाँ पे थे या नहीं थे, मतलब क्या था वहां पर, क्या हो रहा था? खून कचवा ये हो रहा था कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि बिंदल फैक्ट्री ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अभी फिलहाल हम उस जगह है जिस जगह बताया जा रहा है कि फैक्ट्री द्वारा कब्जा किया गया है, और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से कहां किस जगह कब्जा किया हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वाहिद, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत जिला संगठन मंत्री। अब्दुल जी, आपका कहना है कि फैक्ट्री द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, तो किस जगह कब्जा किया हुआ है? ये आपके सामने है, परली साइड की पटरी, कहीं भी चले जाओ, रबजाई की हो, नहर की हो, किसी भी चीज की पटरी हो, 16 फीट होती है जी, एक साइड 16 फीट जैसा कि ये है ऐसा ही होता है। अब दीवार देख लो आपको कि कहाँ रखी दीवार, बिल्कुल नाले पर रखी हुई है। तो जैसे आपका आरोप है कि इधर भी पटरी थी, जैसे इस तरफ पटरी बता रहे हैं आप लोग, तो आपके पास कोई दस्तावेज किसी तरह से? दस्तावेज की बात ऐसी, यहाँ के जो पटवारी साहब हैं उनका नाम है परमा जी, उनसे कई बार मुलाकात हो ली, 1 दिन में दे रहे हैं आपको सिजरा, 2 दिन में दे रहे, आज तक नकल नहीं दे पाएंगे सिजरा। तो क्या मानते हैं नकल ना देने का कारण? वही पूंजीपतियों का दबाव है उनके पास, उनसे मिले हुए हैं। तो आपका जो लगभग धरना लगभग 2 महीने हो गए, 64 दिन 64 दिन हो गए हैं, तो अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ, 1 दिन लगातार जैसा कि अब समाधान हो जाएगा, जिस दिन ये नई SDM साहब आई
आते ही चार्ज लेते ही सबसे पहले हमारे पास आई, भैया मैं धरना समाप्त करवाना ही। चलो बड़ी अच्छी बात है जी, समस्या का क्या समाधान? बोले वो हो जाएगा समस्या का समाधान। समस्या का समाधान आश्वासन खाली, जैसा गाजीपुर बॉर्डर पर था आश्वासन खाली, वही आश्वासन है। तो देखिए बिल्कुल, ये भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के हमारे साथ पदाधिकारी थे, इनका आरोप था कि एक कंपनी द्वारा, एक फैक्ट्री द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार इस स्थान को दिखाए जिस स्थान पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि यह दीवार जो है अवैध रूप से बनाई गई है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। इनका सीधा सीधा आरोप है कि कंपनी द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। जब तक ये कब्जा नहीं हटा पाएंगे तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर। किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा लगभग 2 महीने से धरना प्रदर्शन किया हुआ है। उनकी मुख्य जो मांगे है प्रदूषण को लेकर है, दूषित पानी को लेकर है, और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उसको लेकर है। हमारे साथ जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित जी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और आगे वो किस तरह से इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया में सर आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा धरना दिया जा रहा है सर, उनकी मुख्य मांग है सर, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए किसानों द्वारा पेपर मिल जो हमारे जानते हो भोपाल रोड पर है, उसमें एयर और वाटर पोल्यूशन का काफी शिकायतें अभी नहीं पहले भी प्राप्त हुई है, और हमारे डिपार्टमेंट द्वारा कंटिन्यूसली उसमें जो जितने भी पेपर मिल रहे हैं उस पर इंस्पेक्शन किए जाते हैं। स्पेशली मेरे द्वारा जो है मेरे ऑफिसर्स रात को करते हैं जिससे और इफेक्टिवली हो। देखिए पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अभी इन लोगों की जो मॉनिटरिंग है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की, वो हमारे स्टेट लेवल पे ही नहीं अब सेंट्रल लेवल से भी हो रही है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने आप आ रहा है, इन सारे पेपर मिलों का इंस्पेक्शन कर चुका है। हमारे द्वारा जो हो रहा है वो भी हो रहा है, और एक जॉइंट कमेटी जिसमें हम भी हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया और इसी 2 या 3 महीने के अंतर्गत किए हैं। समस्या आनी मतलब संभावना है कि डेफिनेटली समस्या आएगी, उसको कैसे रोकें ये हमारा मेन पर्पस है। इंडस्ट्री को बंद करना हमारा मेन पर्पस नहीं है, इंडस्ट्री को कहना डायरेक्शन देना कि वो सही काम करे ये हमारा पर्पस है। अगर वो नहीं करता तब उनसे बंद करवाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है, इंडस्ट्री ने काफी काम किए भी है, जो कार्रवाई हुई है मैंने आपको बताया है, एयर पोल्यूशन पे भी हमने इंस्पेक्शन करवाए हैं। तो जैसे ही उद्योगों को अगर हमें पता लगता है कि और भी कोई चीज या उस पर अगर कोई इंडस्ट्री नहीं मान रही है तो अगर उसको बंदी भी करनी पड़ेगी तो हम करवाएंगे। ये थे हमारे साथ जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित जी, इन्होंने बताया कि जैसे भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया है उनकी मुख्य मांगों को देखते हुए पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर, वहां के अधिकारी से भी बात की हमारे सहयोगी ने, आपने सुना। लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन देना काफी है? ऐसे तो नहीं है कि ये फैक्ट्री रातों रात लग गई होगी, सालों से चल रही है, पूंजीपतियों का बोलबाला है वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, और साथ ही साथ किसान अलग से धरना दे रहे हैं कि यहां से इस फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो आसपास गांव हैं, कस्बे हैं, उसमें लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने सुना, किसान नेता जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे सहयोगी ने जिनके साथ बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 64 दिनों में ही, क्योंकि 64 दिन हो गए हैं इस धरने को करते हुए, 25 से ज्यादा नौजवानों की मौत हो गई है। इससे ज्यादा और प्रशासन को क्या चाहिए अपनी आंखें खोलने के लिए? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे किस तरह के हालात हैं, आगे क्या चर्चा है, और इसको लेकर किस तरीके से इस फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं और पानी से आम जनता को बचाया जाए। मेरे सहयोगी संजय कटारिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट रामकुमार कश्यप भी जुड़े हैं, प्रदेश सदस्य ओबीसी मोर्चा के भाजपा से, और सुमित मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, युवा किसान नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय से कर लेते हैं। संजय, ग्राउंड जीरो पर आप गए, हालात कितने बदतर हैं वो हमने देख लिए हैं। 64 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, ना कोई अधिकारी वहां पहुंचा है, ना कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा है,
मतलब 14 यहाँ पर 64 दिन से अगर लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप उन्हें अनदेखा कर देंगे, गंदगी अलग है, जहरीला धुआं, जहरीला पानी अलग निकल रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं, उनकी मांगे हैं, वो सच होती नजर आ रही है। क्योंकि स्थानीय नागरिकों का भी यही कहना है कि यहाँ फैक्ट्री से काला धुआं निकल रहा है और वो बीमारी का कारण बन रहा है। वहीं दोनों तरफ साइडों के ट्रक खड़े हो जाते हैं जिससे एक्सीडेंट का माध्यम बन जाता है, एक्सीडेंट का उससे भी काफी नुकसान हो रहा है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित कुमार जी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पहले भी हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहे हैं और अब भी कार्रवाई करेंगे। जी कार्रवाई करेंगे, और अभी मैंने देखा किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी से भी बातचीत कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि सारा जो मामला है वो संज्ञान में है। देखिए संज्ञान में तो सालों से है ना, रातों रात तो फैक्ट्री खड़ी नहीं हो गई। जब तक क्या ये जो मौत के आंकड़े हैं ये बढ़ेंगे नहीं, तब तक ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जागेगा, ना यहाँ के अधिकारी जागेंगे, ना यहाँ का प्रशासन जागेगा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि जागेंगे। कितना इंतजार हम और करें, कितनी मौतें और? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 64 दिन लगभग धरने को हो गए हैं। यह लेकर डीएम अरविंद कुमार मलप्पा बंगारी से लेकर उप जिला अधिकारी नीतिका शर्मा जी से और तमाम अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। जी ठीक है, राजकुमार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट हैं और साथ ही साथ प्रदेश सदस्य हैं ओबीसी मोर्चा भाजपा से। सर क्या हो रहा है ये, आप ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बावजूद हालात ऐसे, जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये ट्रक जो है धड़ल्ले से चल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण भी है, साथ ही साथ जहरीला धुआं भी निकल रहा है। सर प्रदूषण को लेकर तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम सारी चीजें चल रही हैं, फिर यहाँ क्यों मुजफ्फरनगर से क्यों इतना सौतेला व्यवहार? राजकुमार कश्यप जी, मैडम जी मुझे आपने इनवाइट किया, मैं आपका धन्यवादी हूँ। अभी शायद वीडियो का लिंक नहीं हो पा रहा है सर, मैं लेकिन आपको सुन पा रही हूँ। सर मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात आराम से रख सकते हैं आप। मुजफ्फरनगर में जो अभी प्रदूषण को लेकर के आज चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जो बात पहुँचाई जा रही है जी, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जीवन के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में अगर धुआं मिल जाएगा तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा जी। और सरकार की भी नजर हर विभाग की रहती है कि अगर किसी विभाग के द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है तो उसके अधिकारियों को दंडित करने का काम, सस्पेंड करने का काम सरकार कर रही है। और प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उद्योग को बहुत अच्छी सब्सिडी दी है, उनको लोन दिया है कि वो ऐसा प्लांट लगाए, ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे उनका पानी, वहाँ जो गंदा पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट हो सके, जो एयर पोल्यूशन है उसका, उसकी स्टीम के लिए अलग से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का लोन देती है। और बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो अपना पोल्यूशन, अपने पानी का, हवा का पोल्यूशन वही साफ कर रही है। कुछ सभी फैक्ट्री ऐसी है जो उस सुविधा से क्या तो वो वंचित है या उन्होंने भी सरकार से वो चीज नहीं ले पाए हैं, जिस कारण वो पोल्यूशन हो रहा है। राजकुमार कश्यप जी, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमने देखा कि नाले नालियां यूं ही गंदगी में बह रहे हैं, जहरीला पानी निकल रहा है, धुआं लगातार जहरीला जो है वो हवा में घुल रहा है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने बजट में तमाम चीजों में ऐसे उद्योगों के लिए बहुत तैयारी की है, मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो तस्वीर हमारे सामने है इससे कैसे निपटा जाए, या तो इस धुएं को फिल्टर किया जाए या कोई और सॉल्यूशन निकाला जाए, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना सर। हम तो आप लोगों के ही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हमें आश्वासन देंगे हम उस पर विश्वास करते हैं, और फिर सोचते हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं तो किसी तरह की कोई तकलीफ लोगों को नहीं होगी। आपकी बात सही है, मैं विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन भी करूंगा कि सरकार ने जो उद्योगों को
पोल्यूशन मुक्त करने की योजना का जो लाभ दिया है उसने एक फंड जारी किया है कि सब उद्योग अपने यहाँ पोल्यूशन ट्रीटमेंट का प्लांट लगाएं और प्लांट के माध्यम से पानी और हवा को शुद्ध करें। तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जो प्लांट जो फैक्ट्रियां इस काम को नहीं कर पा रही हैं वो उन्हें चिन्हित करें, उनके पास जाएं, उनको इस गवर्नमेंट की योजना का लाभ दिलाएं जिससे पोल्यूशन मुक्त हो सके। चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। सुमित मलिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, युवा किसान नेता हैं। सुमित मलिक साहब, क्योंकि राजकुमार कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, हम आग्रह भी करेंगे कि ऐसे जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो चल रही हैं, वो जाकर इसका लाभ ले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है और हम जिस तरीके से इस पूरी समस्या को दिखा रहे हैं, अगर एक्शन होता है इस पर, तो वाकई उन लोगों के लिए, जिन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। लेकिन महज तो आश्वासन मिल रहा है ना, 64 दिन से तो आप लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आया, कोई विधायक आया आपके पास, कोई जनप्रतिनिधि आया आपके पास? मैडम मैं बताना चाहता हूँ आपको, जी मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी मन गलत कहानी बता रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। मुझे 6-7 साल बीत चुके हैं इस कंटिन्यूस पॉल्यूशन का काम करते हुए, और जितने भी यहाँ उद्योग हैं उनपे पिछले 2022 तक 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। वो मैंने इनकी पेपर मिलों पे पन्नी फेंके, बॉलर में झलते पकड़वाए गए, इनकी फैक्ट्रियों में से गंदे नालों में से पानी निकल के जो वाटर जो तो गंदा करता है, जो जल प्रदूषण करता है और बीमारी अनेक बीमारी को जन्म देता है, कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म देता है, इन चीज को प्रतिबंध लगवाने का प्रयास किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के एनजीटी में मुख्यमंत्री जी के यहाँ कम से कम मेरे 100 पत्र ऐसे होंगे जिनके जीपीएस की लोकेशन के सहित इनके वीडियोज और इनके फोटोज जो मैंने शासन को भेजे, और निरंतर कई सारी कंप्लेन अब भी निरंतर चली हुई है। और हकीकत में है कि ये पन्नी कचरा खुलेआम जला रहे हैं, सत्ताधारी जितने पॉलिटिकल के आदमी हैं जनपद मुजफ्फरनगर में सब उनके सहयोगी हैं। अभी पूर्व में पिछले एक वर्ष पहले यहाँ पे डिप्टी सीएम विजय पाटिल जी आए थे और मेरे द्वारा उन्हें पत्र दिया गया था स्पेशल, इसलिए उन्हें सबूत भी मैंने साक्ष्य भी दिए थे और दिखाए भी थे कि इंडस्ट्री जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अमृतसर डेराबसी और उत्तराखंड और आपकी दिल्ली का जो गाजियाबाद जो कूड़ा है, उस कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है, वो सब मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्री में पेपर मिल में जलता है। वो क्यों जलता है? यहाँ की इंडस्ट्री जो है उनके बॉलर में पन्नी को जलाकर हीटिंग करते हैं, इसलिए पन्नी ज्यादा हीट कर देती है, वो कई घंटे तक उसकी हीटिंग डाउन नहीं होती जिससे इनका पेपर अच्छा तो बनता है। आप ये तो बहुत जहरीला हो जाएगा, अपने आप ही जहरीला, ये कैंसर की बीमारी पैदा करता है। ये अपना निजी स्वाद ढूंढते हैं उद्योग इकाइयां, इनका काम क्या है कि फ्री में हमें ईंधन मिल गया, हम लोग मरे या मत मरे हमें उसकी गारंटी नहीं है। इनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेश में और यहाँ के आम नागरिक बच्चे महिला पुरुष सबको कैंसर जैसी घातक बीमारी, आंखों में जलन होना, इनकी ये छाई उड़ाना रात को, रात की उड़ाना, और इतनी बुरी स्थिति पैदा कर दी है। अभी मैं बताऊँ, अब भी 6-7 करोड़ रुपए का जुर्माना इन पर लग चुका है। अभी 4 दिन पहले मैंने बालाजी पेपर मिल है, सुमित मलिक साहब एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, कश्यप साहब आपने बातें तो सारी सुन ली होंगी हमारे किसान नेता की। और कोई अगर ये नाटक मना करते कि गलत कह रहा है कि इन्हें पता है मेरे नाम है कि सुमित मलिक बोल रहा, इन्हें पता है कि मैं कितने छापेमारी करता हूँ, जितने भी कलेक्टर महोदय आते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल यहाँ के नेता है मंत्रीगण है कुछ उनके अपने उनके रिलेशन होते हैं जिसके भगोड़े पे बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन मैं कमिश्नर जी से शासन से कहीं से भी लेकिन उन पर जुर्माना जरूर लगता है, इसलिए क्योंकि मैं उनको पंडा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो चीज में जिस की लोकेशन से वीडियोस अवेलेबल मैं प्रशासन को कराता हूँ, जिसमें सबके अगर उनके पास रहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रशासन जुर्माना भी लगाता है। राजकुमार कश्यप साहब क्या कहेंगे आप, सारी पोल खोल कर तो रख दी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार पोल्यूशन के चिंता नहीं करती, हमारा जनपद एनसीआर में आता है और एनसीआर के लिए भारत केंद्र सरकार का जो विभाग है एनजीटी, वो सभी प्रदूषण जहाँ जहाँ हो रहा है, चाहे वो ईट भट्टा हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, आप राजकुमार जी से यही पूछ लेते कि आपके जन्मदिन में कितने पेपर मिल संचालित है, इन्हें यही नहीं पता होगा करती है। अभी पिछली बार भी जो हमारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है दिल्ली का एनजीटी, उसने बहुत सारे फैक्ट्री को, सर बातें तो बहुत हो रही है सर, देखिए हमने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड नियंत्रण है ना,
पॉल्यूशन बोर्ड नियंत्रण, उनसे भी बात कर ली है, उन अधिकारियों से भी मुजफ्फरनगर से जो है। लेकिन देखिए बातें तो हो रही है कि हाँ काम हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, अवैध अतिक्रमण भी रुक जाएगा। पॉल्यूशन बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हाँ हम धुएं को रोक देंगे, हम देखेंगे इस पर अवैध अतिक्रमण। लेकिन वो तो कुछ नहीं रहा ना सर, देखिए रातों रात अगर फैक्ट्री खड़ी हो जाती तो समझ में नहीं आता। कुछ नहीं पता इन्हें तो, नहीं पता प्रदूषण की कितनी पेपर मिले यहाँ पे लगी है, कितनी ये कार चलाने वाली फैक्ट्री है जो ये तेल निकालते हैं कार में से, वो सबसे घातक प्रदूषण फैलाते हैं, वो ऑयल निकालते हैं उसको ये सूट में भट्टे में बेचते हैं, भट्टे में बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं और लोगों को मारने का काम करते हैं। एनजीपी ने फैक्ट्री पे कर रखी है, सभी उद्योगपति इस चीज को लेकर के चिंता में। राजकुमार कश्यप साहब, राजकुमार कश्यप साहब, ये बात आप भी जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि हाँ कुछ इलाकों में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं, अभी तक वहां पर जो पोल्यूशन बोर्ड है वो नहीं पहुंचा है। हालांकि सुमित मलिक साहब कह रहे हैं कि छापेमारी की गई है, करोड़ों का यहां पर फाइन भी हुआ। नहीं ऐसे मैडम, छापेमारी तो मैं कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से प्रदूषण विभाग छापेमारी नहीं करता। जब कमिश्नर साहब के डीएम साहब को फोन मिला दूंगा कि ये लोकेशन है यहाँ कचरा चल रहा है, जब मजिस्ट्रेट महोदय जाते हैं और वापस को उसकी कार्रवाई होती है तब उस पर जुर्माना लगता है। सबसे बड़ा सवाल सुमित मलिक जी ये है ना कि जो जिम्मेदार है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, आम जनता मरती है तो मरती रहे। प्रदूषण अधिकारी नहीं अपनी मर्जी से मार देते हैं, कहें कि हमारे पास हो प्रशासन उनका फोन आ जा, जहाँ जितने सत्ताधारी नेता है उनके फोन आ देंगे उनके 64 दिन। देखिए कश्यप साहब 64 दिन कम नहीं होते, 64 दिन से अगर धरना जारी है किसी चीज को लेकर तो अच्छा, आप लोगों को धरातल पर जाना चाहिए, इन लोगों से बात करनी चाहिए, पक्का आश्वासन। मैडम मैं आपको बता दूं, अभी ये किसान यूनियन जो अभी धरने पे बैठी है इनको अभी 3 महीने हुए हैं, अपनी किसान संगठन बनाया है ना 3 महीने से, अभी 3 महीने से पहले, अब तक 6-7 साल से पहले कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और उसपे कई करोड़ के जुर्माने जो लगे हैं, आज तक उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। सरकार में अगर ऐसा हो रहा है और कुछ ऐसे अधिकारी हैं या कुछ प्रशासनिक अमला ऐसा है जो भ्रष्ट है तो उस पर तो एक्शन होना लाजमी है ना सर। मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे कहीं शिकायत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के नियम के खिलाफ चल रहे हैं, फैक्ट्री है यहाँ पे जो कच्चा लोहा निकला है उसमें करते हैं, डायरेक्ट छापे मारी है, एनजीपी ने सभी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर रखा है जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो क्या तो सच्चे। मैडम आपको मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ, ये कुछ नहीं बता पाने की, ये तो बात को इधर से इधर करते रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो पेपर मिल में जो कागज को गला जाता है उसमें 2% उसमें से वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज का मतलब होता है उसकी पन्नी निकलती है, उसका प्रोसेसिंग ये है कि जो शासन में गाइडलाइन हुए हैं एनजीटी की जो गाइडलाइन है, राजस्थान में सीमेंट प्लांट है वहां पर ये 2% जितना वेस्टेज निकलेगा ये लिखा पढ़ी में जाता है शासन के द्वारा, यहाँ पे जो प्रदूषण विभाग के द्वारा लिखा पड़ी होकर वहाँ चलेगा और वहीं पर जाता है। ये क्या करते हैं, एक पेपर मिल दूसरे को सर्व कर देते हैं और अदर बाहर से कई कई टन एक दिन में 55-56 ट्रक रात्रि के समय निकालते हैं। आप क्या कर दिया इन्होंने, परमिशन दिया ये सुमित मलिक साहब। मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ कहाँ ये झोल आ रहा है, अब ये एक कुछ समय 6 महीने से एक फर्जी परमिशन दिया है प्रदूषण विभाग से कि हमें पन्नी जलाने की अनुमति दी जाए, पन्नी जलाने की अनुमति नहीं होती, पन्नी रिसाइकल करने की अनुमति, उसको कैरी बैग बनाने के इस्तेमाल में हो सकता है, लेकिन इन्होंने गद्दर पर चला के लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम किया है। अब ये क्या करते हैं, उसे अब इनके पास बॉलर नहीं है, उसकी नियमावली होती है, अगर ये कोई परमिशन लेके भी आ जाता है उसमें 3 करोड़ रुपए लगेंगे उस सिस्टम को चलाने के लिए, फिर बॉलर बदलना पड़ेगा, नया बॉलर लगेगा और जो ईटीपी प्लांट होता है इसको संचालित करना पड़ेगा, जो पानी फिल्टर उसको करता है उससे प्रदूषण से मुक्ति मिलती है, लेकिन इनके पास कोई भी ऑटोमेटिक जरूरी है, देखिए फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इनके पास बॉलर हो अच्छा, एयर का भी और वाटर का भी फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है कश्यप साहब, अब बताइए आश्वासन क्या दे रहे हैं आप और कब तक इस पर कार्रवाई होगी, कैसे होगी, आप बताइए। ईटीपी प्लांट किस किस का चल रहा है, किसके यहाँ बॉलर की परमिशन है, किसके पास बोलन हुआ है, जो ईटीपी प्लांट अगर आप चला सकते हैं पन्नी फूकने की परमिशन कैसे मिली आपको। सुन लेते हैं मलिक जी, सुन लेते हैं, बताइए कश्यप जी। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? मैं रामकुमार बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, रामकुमार जी आ रही है आपके पास, बोलिए। अब आश्वासन बहुत हो गया, अब एक्शन लीजिए सर। एक्शन ये है कि जितने भी उद्योग है
एनजीटी और प्रदूषण जिला जो बोर्ड है उनसे संपर्क करेंगे, ऐसा पॉल्यूशन जो जनता को नुकसान पहुंचाता हो उसका कंप्लेन करने के लिए जो भी उद्योगों को सुविधा चाहिए सरकार में। ठीक है, तो जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आती है मैं फिर से ये पैनल बिठाऊंगी और आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने आवाज उठाई और फिर वो एक्शन हुआ। ठीक है सर, मंत्री यहाँ जो यहाँ के मंत्री कुमार कश्यप साहब, ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद मैडम जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से। संजय कटारिया, देखिए आश्वासन यहाँ मिला है, एडवोकेट राम कुमार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ बैठक बुलाएंगे और बोर्ड की भी बैठक होगी, प्रदूषण बोर्ड की भी बैठक होगी, अधिकारी भी बुलाएंगे और इस पर फिल्ट्रेशन का काम होगा ताकि जहरीली हवा और जहरीला पानी जो है वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। मलिक साहब आप भी गवाह हैं जो इन्होंने आश्वासन दिया है, हम फिर से पैनल सुमित मलिक जी तो कोई नहीं ना, हम बैठे हैं ना खबर को चलाने के लिए, हम खबर चलाएंगे, दोबारा से चलाएंगे, दोबारा तस्वीर निकालेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, जब तक इसको बंद नहीं करा देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। संजय कटारिया आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे और दोबारा जब आश्वासन देखिए मिला है आप सबके सामने लाइव में उन्होंने आश्वासन दिया है, कितने दिन में कितने महीनों में काम होता है नहीं होता है फिर से इसको उठाएंगे, फिर से अपनी आवाज जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ताकि लेकिन समस्या जो कि बनी हुई है समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जो भारतीय किसान यूनियन की ये मांग है और आरोप भी है कि पिछले 64 दिन से शासन प्रशासन के साथ साथ प्रदूषण विभाग भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि जनपद मुजफ्फरनगर में राज्य सरकार में दो दो मंत्री जनपद मुजफ्फरनगर से बिलोंग रखते हैं लेकिन फिर भी इस जनपद की ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये क्या है, एक आगे विधायकों से भी बात करेंगे, सांसदों से भी बात करेंगे और आवाज आगे तक पहुंचाएंगे ताकि इस तरह की फैक्ट्रियों पर या तो ताला लग जाए या फिर ये अपने पूरे जो नियम कानून है उसके तहत फैक्ट्रियां चलाएं, अपनी उद्योग चलाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का और किस तरीके से यहाँ पर धरने से उद्योग जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं उससे जहरीला धुआं निकल रहा है, जहरीला पानी निकल रहा है जो लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। युवा किसान धरने पर है, लगातार किसान यूनियन जो है वो धरना दे रहा है कि अवैध अतिक्रमण भी किया हुआ है, दीवार जो है वो पूरी तरीके से नाले की बिल्कुल ऊपर बना दी गई है, साथ ही साथ किसी तरह के कोई नियम को नहीं माना जा रहा है, नियमों को ताक पर रखा गया है। हमने आवाज बुलंद की है, उम्मीद है कि इस खबर को दिखाने के बाद कोई एक्शन जरूर होगा, अगर एक्शन नहीं होता हम दोबारा से इस खबर पर बने रहेंगे, जब तक वहां के लोगों को इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक हमारी आवाज यूं ही बुलंद रहेगी। आज के भारत एट नाइन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।